नमस्कार, मैं पंडित नरेंद्र उपाध्याय लाइव हिंदुस्तान के ज्योतिषीय कार्यक्रम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले हम लोग 13 मई 2022 की ग्रह स्थिति देखते हैं। मेष राशि में सूर्य और राहु, वक्री बुध वृषभ राशि में, चंद्रमा कन्या राशि में, केतु तुला राशि में, मंगल और शनि कुंभ राशि में, गुरु और शुक्र मीन राशि में गोचर में चल रहे हैं। राशिफल देखते हैं। मेष राशि, शत्रु उपद्रव संभव है लेकिन शत्रु शमन भी संभव है। बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलेगा, गुण ज्ञान की प्राप्ति होगी, रुका हुआ कार्य चल पड़ेगा, स्वास्थ्य नरम गरम, प्रेम की स्थिति नरम गरम, व्यापारिक दृष्टिकोण से सही समय। गणेश जी को प्रणाम करते रहे और अच्छा होगा। वृषभ राशि, विद्यार्थीगण लिखने पढ़ने में समय व्यतीत करें, कुछ अच्छा हो सकता है। कलम से काम करने वालों के लिए अच्छा समय। स्वास्थ्य आपका सही चल रहा है लेकिन प्रेम और संतान की स्थिति थोड़ी मध्यम है, व्यापारिक दृष्टिकोण से सही चल रहा है। हरी वस्तु पास रखें। मिथुन राशि, स्वास्थ्य पे ध्यान देने की आवश्यकता है, सीने में विकार संभव है, घरेलू सुख बाधित दिख रहा है लेकिन भौतिक सुख संपदा में वृद्धि होगी, प्रेम और संतान की स्थिति आपकी अच्छी चल रही है। गणेश जी को प्रणाम करते रहे। कर्क राशि, स्वास्थ्य पहले से बेहतर है, प्रेम और संतान थोड़े भी मध्यम चल रहे हैं, व्यापारिक दृष्टिकोण से आप धीरे धीरे अच्छे दिनों की तरफ बढ़ रहे हैं, आने वाला समय आपका सुखकारी होगा, अच्छा होगा। लाल वस्तु पास रखें और बजरंग बली को प्रणाम करते रहें, अच्छा होगा। सिंह राशि की स्थिति अभी थोड़ी सी मध्यम चल रही है, मन परेशान है, बच्चों के सेहत को लेकर के भी काफी सोच रहे हैं, नकारात्मक सोच आ रही है, थोड़ा कुछ हकीकत में भी नकारात्मक चल रहा है, स्वास्थ्य पे भी ध्यान देने की आवश्यकता है, व्यापारिक दृष्टिकोण से आप सही चलते रहेंगे। सूर्य को जल देते रहें, पीली वस्तु पास रखें। कन्या राशि, स्वास्थ्य थोड़ा प्रभावित रहेगा क्योंकि लग्नेश वक्री चल रहे हैं तो थोड़ा सा प्रभाव रहेगा, ओवरऑल आप ठीक चलेंगे, संतान और प्रेम की स्थिति अच्छी है, व्यापार भी आपका सही चलता रहेगा। हरी वस्तु पास रखें और शनिदेव को प्रणाम करते रहें। तुला राशि की स्थिति काफी बेहतर है लेकिन थोड़ा मन परेशान है, चिंतित है, खर्च को लेकर के कुछ चीजों को बढ़ा चढ़ा के सोच रहे हैं, इस वजह से संतान और प्रेम की स्थिति अच्छी है, व्यापारिक दृष्टिकोण से आप सही चल रहे हैं। हरी वस्तु पास रखें, गणेश जी को प्रणाम करें, अच्छा होगा। वृश्चिक राशि, आर्थिक मामले सुलझेंगे, कुछ अच्छे समाचार की प्राप्ति भी होगी, यात्रा में लाभ संभव है, स्वास्थ्य अच्छा है, प्रेम व्यापार भरपूर सहयोग में और बड़ी अच्छी स्थिति है, पीली वस्तु पास रखें। धनुराशि की स्थिति सरकारी तंत्र के लिए अच्छा है, राजनीतिक लाभ चल रहा है, पिता के स्वास्थ्य में सुधार, एक अच्छी स्थिति चल रही है आपके स्वास्थ्य प्रेम व्यापार सब कुछ को लेकर के। गणेश जी को प्रणाम करते रहे, हरी वस्तु का दान करें। मकर राशि, भाग्यवश कुछ काम बनेंगे, रोजी रोजगार में तरक्की करेंगे, स्वास्थ्य भी अच्छा है, प्रेम और व्यापार का भरपूर सहयोग भी मिल रहा है, एक सुखद समय कहा जाएगा। काली जी को प्रणाम करते रहे। कुंभ राशि, थोड़ा जोखिम भरा समय है, बच के पार करने की आवश्यकता है, बहुत जल्दी कट जाएगा कोई बड़ी बात नहीं है लेकिन थोड़ा सावधानी बरतें, परिस्थितियां प्रतिकूल है, प्रेम स्वास्थ्य व्यापार तीनों प्रभावित दिख रहा है। गणेश जी को प्रणाम करते रहे, वो जरूर कुछ विघ्न को कम करेंगे। मीन राशि बिल्कुल एक आनंददायक मुद्रा में चल रही है, व्यवसायिक सफलता भी है, जीवन साथी का भी पूरा सहयोग है, प्रेम का भी पूरा सहयोग है और संतान भी आज्ञा का पालन कर रही है, व्यापारिक दृष्टिकोण से भी अच्छा समय, भरपूर अच्छा समय। हरी वस्तु को दान करें और भगवान भोलेनाथ को प्रणाम करते रहें। नमस्कार।